नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एग्जामों में। गले में खिचखिच, विकसी गोली लो, खिचखिच दूर करो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरी आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही होगी। तारीख 11 मई और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आज सभी के सामने मैं हाजिर हूँ। आज का वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज के वीडियो के लास्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। गिव मी वन सेकेंड। तो मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि भाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आज के करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एक भी न्यूज़ स्किप मत करिएगा। और एक गुजारिश आपसे जो हर रोज़ रहती है कि भाई वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और मन करे तो इसे लाइक कर दीजिए। आइए चलते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। हेडलाइंस देख लेते हैं आज क्या है। इंटरनेशनल आर्गेनिया डे मनाया गया 10 मई को। एरेना शेवलेंका ने जीता है मैडन मैड्रिड ओपन महिला खिताब। लुइस हैमिल्टन ने लगातार 5वीं बार स्पेनिक ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। नेपाल के कामी रीता ने 25वीं बार एवरेस्ट फतेह कर रिकॉर्ड बनाया है। कल की कोचिन ने लिखी है अपनी पहली पुस्तक एलिफेंट इन द बॉम। वर्चुअल इंडिया एक यूरोपियन यूनियन लीडर्स मीटिंग में पीएम मोदी को भी शामिल किया गया। नाइट फ्रैंक द्वारा ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में नई दिल्ली 32वें नंबर पर आई है। और राज्यसभा सांसद रघुनाथ महापात्रा का अभी हाल ही में निधन हो गया, उड़ीसा से सांसद थे ये। अर्जन नाग वासवाला 1975 के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में पहले पारसी खिलाड़ी बने हैं। इनका सिलेक्शन हुआ है अभी टेस्ट टीम में। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत खो दिया है और बहुत दिनों से जो ये चाह रहे थे आखिर इनके साथ हो ही गया। आईटी मद्रास ने विकसित की है ब्लॉकचेन आधारित प्रणाली। आज डिस्कस जरूर करेंगे कि ब्लॉकचेन और बिटकॉइन में क्या अंतर है, एक्चुअल में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे सबसे ज्यादा सिक्योर है, और मैं तो ये कहूंगा कि आने वाला जो भविष्य है वो ब्लॉकचेन पर आधारित है। लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा कोट, कभी नीम सी जिंदगी कभी नमक सी जिंदगी, ढूंढते रहे उम्र भर एक शहद सी जिंदगी। क्या बात है, कभी नीम सी जिंदगी कभी नमक सी जिंदगी, ढूंढते रहे उम्र भर एक शहद सी जिंदगी, ना शौक बड़ा दिखने का ना तमन्ना भगवान होने की, बस आरजू जन्म सफल हो, बस आरजू जन्म सफल हो, कोशिश इंसान होने की। बहुत ही प्यारी लाइनें हैं। देखिए, जीवन में बहुत कुछ आपके सामने आएगा, आपके जीवन में हर पल आप लोग अब तक मतलब काफी कुछ देख भी चुके हो, ऑलमोस्ट लगभग आप 30% अपना लाइफ जी ही चुके हो। मतलब मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आप जल्दी खत्म हो जाओगे या ऐसा कुछ हो जाएगा, मतलब मैं मानता हूं कि एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70-80 साल होती है आज की डेट में, तो ऑलमोस्ट आप सभी 20 साल के तो हो ही। तो कहना यह है कि नियत से बरकत होती है इस लाइन में। बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा सच्चाई है। आप कभी कभी सोचते होंगे कि यार ये आप जिस रूम में रहते होंगे कहीं रूम लेकर रहते होंगे, पढ़ाई करते होंगे, तो आपको लगता होगा यार इसकी दीवारें गंदी कर दो कौन सा मेरा है, उसका पंखा उनका तोड़ दो कौन सा मेरा। याद रखना दोस्तों, ये जो सोच है ये गलत है, कहीं ना कहीं ये आपको कहीं जीवन में कभी नहीं ले जाएगी। हमेशा अपनी नीयत में सच्चाई रखें। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो सच्चे दिल से उसकी मदद करिए, क्योंकि कभी भी फेक होने में कुछ नहीं रखा। आपको लोग मिल जाएंगे दिखावा करते हुए, आपको लोग मिल जाएंगे झूठ बोलते हुए, लेकिन आप यकीन मानिए इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। जीवन जो है, जो लाइफ है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करती है, ओरिजिनलिटी पे, और वही सबसे ज्यादा सुंदर है। सत्य ही सुंदर है, जो सत्य है वही सुंदर है, इसको याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऋतिक बोरा जी माफी चाहूंगा जी, आधा जिंदगी पार कर गया है। ठीक है, कोई नहीं, बढ़िया है। अब जो भी डिस्टर्बेंस है वो सबके साथ आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन आप कहीं पर किसी के घर में रह रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि उसको अपने जैसा समझे, सिर्फ एक एग्जांपल को मत ले। कोई भी चीज़ आपको कोई इस्तेमाल करने को देता है, मैंने देखा है कि कुछ लोग गाड़ी वगैरह मांग के ले जाते हैं तो उसमें जितना पेट्रोल होता है, जब तक वो पेट्रोल पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक उसको चलाते रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना करें, क्योंकि अगर आप कभी भी लाइफ में आगे जाना चाहते हो, आप देखोगे कि आप बहुत मेहनत कर, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं जिंदगी भर एक ही काम में बहुत लगे रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वही काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे जहां वो 10 साल पहले थे आज भी वहां 10 साल पर है। तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं उनकी नीयत में खोट है।
वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हैं, इसी वजह से बरकत नहीं होती। ये लाइनें एक बार फिर से पढ़ने का मन कर रहा है, पढ़ लो क्या, कि कभी नीम सी जिंदगी कभी नमक सी जिंदगी। आ क्या बात है, ढूंढते रहे उम्र भर एक सहज सी जिंदगी, ना शौक बड़ा दिखने का ना तमन्ना भगवान होने की, बस आरजू जन्म सफल हो, कोशिश इंसान होने की। तो इंसान बने रहिए आज के टाइम पे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए कर लेते हैं प्रीवियस डे रिवीजन। हर साल विश्व स्तर पर वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, 8 मई को। हाल ही में गोवा के नए लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है, वो है अंबादास हरिभाऊ जोशी। और आपको आज के कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना है कि भाई देश के पहले लोकपाल कौन है और ये लोकपाल नाम किसने दिया था। ये मैंने कल के करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया था कि ये लोकपाल नाम आया कहां से, ये किस आदमी के दिमाग से निकला। ये निकला था एल एम सिंघवी जी के दिमाग से। लोकपाल, लोकायुक्त, ये जो शब्द आप सुनते हैं, ये हिंदी में जो शब्द आपको प्राप्त हुए हैं, ये आपको एल एम सिंघवी ने दिए हैं, बाकी पूरी दुनिया ओम्बुड्समैन के नाम से जानती है। तो अंबादास हरिभाऊ जोशी जो है वो लोकायुक्त रूप में नियुक्त किए गए हैं, और पिनाकी चंद्र घोष जो है वो भारत के पहले लोकपाल हैं। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हैप्पी बर्थडे लघु फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है अनुपम खेर जी ने। लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है, राफेल नडाल ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 9 मंत्रालयों के नाम बदल दिए हैं, तो ये किया गया है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार बनी है, डीएमके से आते हैं और उन्होंने नाम ही बदल दिया, आते बराबर एम करुणानिधि के बेटे हैं। किस राज्य के गाहिर माथा समुद्र तट पर लुप्त पाए प्रजाति की ऑलिव रिडले के 1.48 करोड़ बच्चों ने जन्म लिया है, कछुए जो दुनिया का सबसे छोटा समुद्री कछुआ है, ये आपका उड़ीसा में है। गाहिर माथा कहां पर है, उड़ीसा में है जी। लाइक कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, नहीं लाइक करना है तो भी आप लाइक कर दें, बटन ही दबाना है आपको, मतलब अगर आप मुझे नहीं भी पसंद करते हो ना तो भी बटन तो दबा ही सकते हो क्योंकि पढ़ रहे हो। भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी और कोच का 8 मई को निधन हो गया, उनका नाम क्या था, एमके कौशिक। हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी और स्वाधीनता बांग्ला बेतर केंद्र के संगीतकार का निधन हो गया, अनूप भट्टाचार्य। कौन भारतीय पहलवान 7 मई 2021 को टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली चौथी महिला बन गई है, उनका नाम है सीमा बिस्ला, बाकी चारों महिलाएं यहां पर लिखी हुई हैं। भारतीय सेना ने 8 मई को अपने सैन्य पुलिस के हिस्से के रूप में कितनी महिला सैनिकों के पहले बैच को प्रतिष्ठित किया है, तो वो है 83। और अगर आप मेरा करंट अफेयर आज पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अभी आपको लग रहा होगा ये कितना तेजी से जा रहा है आदमी, एक्चुअल में ये कल के करंट अफेयर है। कल एक बच्चे का आया, मैं क्या पढ़ाते हो, कुछ समझ ही नहीं आता। अपने जीवन का जानते सबसे बुरा वाक्य मैंने शायद जिंदगी में कल ही सुना, पता है क्या कहा गया मुझे, कुछ नहीं कर पाए जीवन में तो टीचर बन गए। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मन कहा खींचे कंटा मारे एकदम भनभना जाए इसकी खोपड़ी एकदम फटफटा जाए, लेकिन फिर मुझे जब मैंने रियलाइज किया तो यार यस, शायद मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया और इसीलिए मैं टीचर हूं, इस बारे में बात करेंगे। तो भारत और किस देश की नौसेना ने 8 मई 2021 को दक्षिणी अरब सागर पैसेज एक्सरसाइज में भाग लिया है, तो भारत और इंडोनेशिया। असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं आपके हेमंत बिस्वा सरमा। आइए चलते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर, एकदम तैयार हो जाओ, मूड बना लो। आज के करंट अफेयर्स में कॉपी और पेन लेकर की जरूरत नहीं है, बस आप सुनते रहो जो मैं बता रहा हूं, सुनते जाओ। 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 मई को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया, तो इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि यह डे जो है 10 मई को यह पहली बार मनाया जा रहा है, और यह जो डे है यह एक पेड़ के ऊपर मनाया जा रहा है, यानी एक पेड़ की महत्ता को दर्शाते हुए मनाया जा रहा है, और यह है इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया। मैं आपको अर्गेनिया का पेड़ दिखाता हूं, यह छोटा सा पेड़ होता है, इसके ऊपर बकरियां जो है वो चढ़ जाती हैं। इंटरनेशनल यूथ डे, हम लोग अर्गेनिया डे पर वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा करते हैं इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे जो है यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसके अलावा नेशनल यूथ डे, ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी की जन्म तिथि पर 12 जनवरी को मनाया जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, राष्ट्रीय युवा दिवस ये आपका 12 जनवरी को, कंफ्यूज मत होना। इंटरनेशनल नर्स डे ये आपका 12 मई को मनाया जाता है, और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ये आपका 21 जून को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। तो आज सॉरी कल 10 मई को हमने मनाया इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान समय में हेड कौन है, कोई बताएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान समय में डायरेक्टर जनरल कौन है, यानी डायरेक्टर निदेशक कौन है, तो 10 मई को अर्गेनिया दिवस मनाया गया है। मोरक्को द्वारा यह दिवस को प्रस्तुत किया गया, फिर बाद में 113 राष्ट्र देशों ने इसको अपना लिया।
ऑर्गन जो है ये दक्षिण पश्चिम में मोरक्को के उपसहारा क्षेत्र के एक देसी प्रजाति है जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगती है और इसके जरिए मतलब ये थोड़ा कम पानी में भी डेवलप हो जाता है, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं जिसकी वजह ये काम करता है। तो ऑर्गन टी आमतौर पर एक बहुदेशी वृक्ष है जो आय सृजन का साधन भी है और बहुत सारे लोगों की जीविका उपार्जन का भी साधन है। भाई संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो वर्तमान समय में हेड हैं वो है वोल्कान वोजकिर। वो कौन है? वोल्कान वोजकिर। एंटोनियो गुटेरेस जो है वो आपके यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के सचिव हैं, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। 2021 का मैड्रिड ओपन महिला खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है अरेना सेबलंका ने। अरेना सेबलंका का ये पहला मैड्रिड ओपन खिताब है और उन्होंने एस्ले बार्टी को हरा दिया। मतलब नंबर एक टेनिस पे चल रही है एस्ले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है, इन्होंने उसको हरा दिया। किसी भी टेनिस प्लेयर का जब भी आप नाम पढ़े, मेरी एक राय फ्री की है, रख लीजिएगा अपने पास, हमेशा अपने पास रखिएगा, कभी भी किसी टेनिस प्लेयर का नाम पढ़े उसका देश जरूर याद रखें। क्या याद रखें? कि वो किस कंट्री से। जैसे अरेना सेबलंका जो है ये बेलारूस से है। ये कहाँ से है? बेलारूस से। क्या आप बता सकते हैं बेलारूस की राजधानी क्या है? आप मत बताइए, अपने दिमाग को जोर मत दीजिए, मैं दे देता हूँ, मिन्स्क। बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क। तो अरेना सेबलंका ने किसको हरा दिया है? एस्ले बार्टी को हरा दिया है। तो टेनिस में विश्व में सातवें नंबर पर बेलारूस की अरेना सेबलंका, स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, अरेना सेबलंका, विश्व की नंबर वन टेनिस खिलाड़ी एस्ले बार्टी को हरा दिया। सातवें नंबर के खिलाड़ी ने एक नंबर के खिलाड़ी को हराया और मैड्रिड ओपन महिला खिताब जीत लिया। जबकि पुरुषों में बात की जाए तो ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं इनका नाम है अलेक्जेंडर ज़ेरेव। ये जर्मन खिलाड़ी हैं, यानी जर्मनी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने मैड्रिड ओपन का खिताब जीत लिया है मैटियो बेरेटिनी को हराकर। मैटियो बेरेटिनी को हराकर, बिल्कुल याद रखिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। 9 मई 2021 को आयोजित स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स लगातार पांचवीं बार लुइस हैमिल्टन ने जीती है। पहले तो लग रहा था वर्स्टैपन जीत जाएंगे, बट एक कॉर्नर के मोड़ पर मारा ओवरड्राफ्ट और ओवरटेक करके निकल गया ये आदमी। लुइस हैमिल्टन ने अब तक 96 ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं जो दुनिया में सर्वाधिक है, यानी अभी तक इनके बराबर किसी ने भी ग्रैंड प्रिक्स नहीं जीते। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। कहां के ड्राइवर हैं? मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये ग्रेट ब्रिटेन से आते हैं। इन्हें हाल ही में ग्रेट ब्रिटेन की महारानी ने इन्हें हाल ही में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है। किस उपाधि से सम्मानित किया है? KNIGHT, नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। यानी अब इनका नाम लुइस हैमिल्टन नहीं है, अब इनका नाम हो जाएगा सर लुइस हैमिल्टन। तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं, लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में पांचवीं लगातार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स पांचवीं जीती है। क्वेश्चन यहां पर ऐसा बन सकता है कि विश्व में सर्वाधिक ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो विश्व में सर्वाधिक ग्रैंड प्रिक्स जो जीती है वो लुइस हैमिल्टन ने जीती। अगला, किस पर्वतारोही ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? लोग एक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई नहीं कर पाते हैं और ये आदमी 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुका है। इस आदमी का नाम है कामी रीता। कामी रीता जो है ये शेरपा है। शेरपा जो होते हैं इनका काम होता है माउंट एवरेस्ट पर जो लोग चढ़ाई करने जाते हैं उनकी सहायता करना, साथ साथ ये लोग भी चढ़ाई करते हैं। आप सभी को पता होगा कि 29 मई 1953 ये वो दिन था जब विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया गया था। यानी कि इस दिन विश्व के सर्वाधिक ऊंची चोटी का सिर मानव के आगे झुक गया था। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने इसको फतेह किया था। इसके बाद अगर पूछा जाए कि किस भारतीय ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था तो वो है 1965 में अवतार सिंह चीमा। ये जो हैं ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। पहले भारतीय कौन है? अवतार सिंह चीमा। ये सेना में अधिकारी थे और दो बार माउंट एवरेस्ट से पहले चढ़ने की कोशिश कर चुके थे लेकिन अंततोगत 1965 में इन्होंने चढ़ाई कर ही ली थी। माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो हम लोग जो पढ़ते आए हैं वो बदल गई है क्योंकि अभी हाल ही में नेपाल और चाइनीज अथॉरिटी ने मिलकर इसकी हाइट को 0.86 सेंटीमीटर बढ़ा दिया है। अगर आप मोटा मोटा तौर पे कहें तो अब माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8849 मीटर के अप्रॉक्स हो गई है। 0.86 मतलब 14 सेंटीमीटर बचे हैं, तो 14 सेंटीमीटर क्या ही होते हैं, शायद नापा ही ना हो उन्होंने। अभी तो हम लोग 8848 मीटर पढ़ते आए लेकिन अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, 8848.86 हो गई है। इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कामी रीता की बात कर लेते हैं तो नेपाली पर्वतारोही कामी रीता दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को अपना, यानी कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि दुनिया में सर्वाधिक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किसने की है तो वो कामी रीता ने की है। कामी रीता से मुझे नाम याद आया प्रियंका मोहिते का। क्या आप बता सकते हैं कि प्रियंका मोहिते
ने अभी हाल ही में एक चोटी पे चढ़ाई की, वो चोटी भी नेपाल में, और इसको दुनिया की सबसे खतरनाक चोटी माना जाता है। प्रियंका मोहिते जो है इस चोटी पर फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। आप उनका नाम बता सकते हो, किस चोटी को फतेह किया है? अन्नपूर्णा। किसको फतेह किया? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा चोटी भी जो है वो आपकी नेपाल में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8091 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो 51 वर्षीय कामिरिता 1994 से लगातार माउंट एवरेस्ट फतेह करते चले जा रहे हैं और करते ही चले जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दुनिया की पहली महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था? जुंको ताबेई। जुंको ताबेई ने 1975 में ये ऊंचाई की थी। और भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था उनका नाम है बछेंद्री पाल, हम सभी बचपन से पढ़ते हैं, 1984 में। विराट चंद्र की बात कर लो भाई, विराट चंद्र जो हैं इन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो कि तंजानिया में है, क्या नाम है उसका? किली मंजारो को फतेह किया है। विराट चंद्र जो है ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश का लड़का है, छोटा सा ये, उसने अभी हाल ही में ये फतेह किया। हाल ही में जारी पुस्तक एलिफेंट इन द बोम ये किसके द्वारा लिखी गई है? हाँ, पहला जो विकलांग महिला है वो उन्होंने, अरुणिमा सिन्हा, उन्होंने फतेह किया था माउंट एवरेस्ट। बढ़िया। हाल ही में जारी एलिफेंट इन द बोम, वोम जानते क्या होता है? वोम, WOMB, जानते क्या होता है? गर्भ, है ना। ये हीरोइन मुझे कभी समझी भी नहीं आई, इसको तस्वीर देख लो आप पहचान रहे हो इसको कौन है। ये है कलिकी कोचिन, वैसे तो ये एक फ्रेंच एक्ट्रेस है बट भारतीय फिल्मों में भी इन्होंने काफी नाम कमाया है। अनुराग कश्यप की इनके साथ शादी हुई थी, 2015 में ये शादीवादी टूट गई। संजय बारू की एक पुस्तक थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसकी वजह से ये चर्चा में रहे थे। दो दिन पहले इन्होंने एक नई पुस्तक लॉन्च की है, उसका नाम है इंडियाज पावर एलाइट। संजय बारू को ध्यान रखिएगा, ये मनमोहन सिंह के टाइम पे सचिव भी रहे थे। और इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसके ऊपर मूवी भी बनी है, अनुपम खेर है उसमें, आपको याद होगा एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और ये प्रश्न एक बार पूछा भी गया। अमिताभ घोष की अभी नई बुक आई है, उसका नाम है द लिविंग माउंटेन, अमिताभ घोष की। मेगन मर्केल की पुस्तक मैंने आपको कल ही बताई, ये कौन है? ये आपकी प्रिंस हैरी की वाइफ है, इन्होंने रॉयल टैग जो है वो त्याग दिए हैं, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी द बेंच, ये बच्चों के ऊपर लिखी है। तो मातृत्व के ऊपर कल्कि कोचिन ने एक पुस्तक लिखी है। बॉलीवुड अभिनेत्री कल्कि कोचिन, एलिफेंट इन द बॉम, अरे कोई और टाइटल लिख लेते यार, है बच्चे को संबोधित कर रहे हो आप। इस पुस्तक से जिसे अभी जारी किया जाना है, और ये पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित की गई है, इसको याद रखिएगा। कल्कि कोचिन की पुस्तक कौन सी? एलिफेंट इन द बॉम, वैसे भी याद रहेगी, ऐसा नाम ही है इसका। हाल ही में भारत यूरोपीय संघ लीडर्स मीटिंग पीएम मोदी शामिल हुए, इसका आयोजन किस देश द्वारा किया जा रहा है? देखिए, ये नहीं पूछा जाएगा कि यार पीएम मोदी को बुलाया गया था कि नहीं बुलाया गया था, यूरोपियन यूनियन की बैठक कहाँ हुई है, सब देखो ऑनलाइन हुई है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? इसका आयोजन पुर्तगाल द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? पुर्तगाल द्वारा। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। पूछा क्या जा सकता है? यूरोपियन यूनियन जो है ये 27 देशों का एक संगठन है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो यूरोप के कंट्री जो है वो काफी डर गए थे, कहने को तो ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, लेकिन जब आपका रोम साम्राज्य गिरता है, रोम साम्राज्य एक टाइम पे बहुत बड़ा, कहते हैं ना यूरान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं हमारी, उस लाइन में कुछ तथ्य है। रोम जो था एक बहुत बड़ा एम्पायर था, और बहुत मतलब ईसा के थोड़ा सा टाइम बाद मुझे लगता है 400-500 ईस्वी में ये पूरा नष्ट हो जाता है, और यूरोप में कई छोटे छोटे कंट्रीज बन जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में लोगों को एहसास होता है कि हम छोटे छोटे कंट्री के रूप में डेवलप नहीं हो पाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें, क्योंकि हमारा यूरोप ऐसा बसा हुआ है, यूरोप के जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, वो कुछ इस तरीके की, कुछ चीज़ें कहीं पर ज़्यादा होती हैं, कुछ चीज़ें कहीं पर ज़्यादा होती हैं, तो कोई एक देश जो है वो संप्रभु बन के नहीं रह सकता। तो यूरोपियन यूनियन बना। यूरोपियन यूनियन की जो अस्तित्व पूरी तरीके से आया वो 1993 में आया, और अभी हाल ही में एक देश जो है जो इससे निकल गया, आपको उसका नाम बताना। मैं हिंट दे सकता हूँ कि भाई उसमें महारानी का शासन चलता है। महारानी का शासन तो वैसे कि यूरोप के कई कंट्री में चलता है, लेकिन वहां पे महारानी का शासन कुछ ज्यादा ही चलता है। तो वो देश जो है वो यूरोपियन यूनियन से निकल गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों ने आपस में एक यूनियन बनाया, जिससे एक यूरोप की भावना का जन्म हुआ। और इसमें वर्तमान समय में कितने देश है? 27 देश है। 27 देश के अलावा इन्होंने क्या कर दिया? भारत को भी आमंत्रित कर दिया। क्यों? भारत की जो जनसंख्या है ना वो बहुत ज्यादा है,
यकीन मानिए आपके उत्तर प्रदेश की आबादी ही लगभग मुझे लगता है 25 करोड़ के आसपास की होगी। मैं एग्जैक्ट डेटा तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन 25 करोड़ के आसपास की आबादी होगी। दुनिया में 4-5 देश ऐसे होंगे जो उत्तर प्रदेश से ज्यादा आबादी रखते होंगे। तो जब इतने ज्यादा लोग हैं, इतने ज्यादा यहाँ पे खरीदार हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ जनसंख्या, और भारत के लोग खर्च भी करना जानते हैं, खर्च भी करते हैं, चाइना का सामान भी खरीद लेते हैं वो, जो किसी काम का नहीं होता, सिर्फ अच्छा दिखे तो भारतीय लोग उसको भी ले लेते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है कि उसको बाजार के रूप में प्रतिस्थापित करना। इसलिए यूरोपियन यूनियन ने प्रधानमंत्री को भी बुलाया। यूरोपियन यूनियन के वर्तमान समय में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? श्री चार्ल्स मिशेल। के अध्यक्ष कौन है? श्री चार्ल्स मिशेल, जो है के निमंत्रण पर पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में। 1 नवंबर 1993 को इसकी स्थापना नीदरलैंड में की गई थी। आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन का फ्लैग कैसा है? यूरोपियन यूनियन का फ्लैग ब्लू कलर का है, उसमें येलो कलर के स्टार बने हुए। अब फटाफट से जरा मुझे गिन के बता दो कि यहां पर कितने नंबर ऑफ स्टार है। जी, यहां पर कितने नंबर ऑफ स्टार है? हाँ, ब्रिटेन जो है वो इससे निकल गया था। ब्रिटेन जो है वो इससे निकल गया था। ब्रिटेन अपने उपनिवेश के साथ जब उसका नाम लिया जाता है, उसके आसपास के जो उपनिवेश है उनके साथ नाम लिया जाता है, उसे यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। सिर्फ ब्रिटेन की अगर बात होती है तो उसे ब्रिटेन कहा जाता है। बस यही बेसिक सा फर्क है। इसमें कितने स्टार बने हुए? 12 स्टार बने हुए। गिन लिए? 12 बने हुए। 12 याद रखना, यूरोपियन यूनियन के फ्लैग में कितने स्टार हैं? 12। अब आपको ले चलते हैं कि अगर मान लीजिए आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो देश में सबसे महंगी प्रॉपर्टी इस टाइम आपको दिल्ली में मिलेगी, क्योंकि दिल्ली को इस लिस्ट में कौन से नंबर पर रखा गया है? 32वें नंबर पर रखा गया है। और यह है नाइट फ्रैंक द्वारा ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स, यानी कि सबसे महंगी प्रॉपर्टी रहने के लिए आपको दिल्ली में मिलेगी, भारत में। लेकिन अगर आप विश्व की बात करें तो यह आपको मिलेगी शेंजेन में, फिर संघाई में और गुआंगझोउ। ये जो आंकड़ा है, ये जो इंडेक्स है, ये हर क्वार्टर में जारी किया जाता है, यानी कि हर क्वार्टर में आपको यह देखने को मिलेगा। तो फिलहाल लंदन स्थित संपत्ति सलाहकार नाइन फ्रैंक ग्लोबल प्राइम इंडेक्स ने 32वें और 36वें स्थान पर नई दिल्ली और मुंबई को स्थान दिया है, जबकि बैंगलोर को 40वें नंबर पर रखा। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि मुंबई ज्यादा महंगा है रहने के लिए, वहां पर जमीन खरीदनी है, तो दिल्ली ज्यादा महंगा है, दिल्ली 32वें नंबर पर है। इतना ही इंपॉर्टेंट है। 1975 के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में पहले पारसी खिलाड़ी कौन शामिल हुए हैं? तो उनका नाम है अर्जन नाक्स वासला। आज मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हुआ चलूँ, आपको बोरियत महसूस ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा देखता हूँ ये कितना सफल होता है, थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। 19 से आपको लग भी रहा होगा, हाँ थोड़ा अलग तरीके से जा रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है। 1975 के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में पहले पारसी खिलाड़ी कौन बने हैं? उनका नाम है अर्जन नाक वासल। फारूक इंजीनियर ने 1975 में क्रिकेट खेला था, आखिरी टेस्ट खेला था, उसके बाद से किसी भारतीय खिलाड़ी ने नहीं खेला। महिलाओं की बात की जाए तो डियाना अलजी ये महिला खिलाड़ी थी। तो गुजरात के हैं 23 वर्षीय बाएं हाथ के सीमर अर्जन नागवासाला को न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए नामित खिलाड़ी के टेस्ट आरक्षित खिलाड़ी के रूप में चुना गया है, और ये पारसी समुदाय से आते हैं। 1975 के बाद ये पहले पारसी और एकमात्र सक्रिय पारसी क्रिकेटर है, इसके अलावा और कोई पारसी क्रिकेटर नहीं है। ठीक है, किस देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ पार्टी के सदन में बहुमत साबित करने में नाकाम रही है? मामला क्या है? केपी शर्मा ओली की पार्टी है यूएलएम। सीपीएन और यूएलएम ने मिलकर के जब नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना शुरू हुई तो इन दोनों पार्टियों ने कहा अब मिल जाते हैं और मिल करके राज करते हैं नेपाल पे। केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री बना दिया गया। पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है, जिनका नाम प्रचंड के नाम से मशहूर है, उनके साथ ये सह अध्यक्ष के रूप में बने पार्टी के अध्यक्ष। फिर इन्होंने एक संवैधानिक अध्यादेश लागू करने की बात की, और उसमें ये बात की कि प्रधानमंत्री को ये अधिकार दिया गया कि जो भी संवैधानिक समितियां होंगी उसका जो भी अध्यक्ष होगा उसका अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री की मर्जी से होगा। इससे क्या फायदा होता? इससे केपी शर्मा ओली नेपाल के व्लादिमीर पुतिन बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मामला पलट गया। खुद की इनकी पार्टी ने विरोध कर दिया, इससे तो तुम निरंकुश हो जाओगे, तुम अपने आप को राजा घोषित कर रहे हो, नेपाल में राजशाही खत्म हुई है फिर भी तुम अपने आप को राजा समझ रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तब से खींचतान शुरू हो गई पार्टी में। फिलहाल वो अध्यादेश नहीं आ पाया, लेकिन बार बार लड़ाई, बार बार चीजों में मतभेद, बार बार इसकी वजह से, और ये थोड़ा सा पागल भी लगता है मुझे केपी शर्मा ओली, मतलब माफी चाहूंगा अगर किसी को ये पसंद हो तो, लेकिन भैया मेरा पर्सनल रीजन यही है कि ये देख रहे हैं कि भाई हम जा रहे हैं, हम अपने देश को हाशिए पे लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी चाइना के पीछे भागे पड़े। तुमको खाना से लेकर हर चीज तुमको भारत से मिलती है और तुम चाइना के पीछे भाग रहे हो, तो पहले नहीं जाओगे तो क्या होगा? तो ये भाई
हाल फिलहाल इनसे विद्या देवी भंडारी ने कहा, और इतनी देर तक इनका शासन सिर्फ इसलिए चल लिया क्योंकि इनके राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से इनके अच्छे संबंध हैं। और अच्छे संबंध क्या है, नेपाल में भी भारतीय संविधान जैसा ही है कि वहां पर भी राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का शासक होता है, और ऐसी स्थिति में जब इनके संबंध उनसे ठीक थे तो ये थोड़ा थोड़ा करके अपना सकते। अब विद्या देवी भंडारी ने इनसे कह दिया कि आप बहुमत सिद्ध करिए। बहुमत सिद्ध करने में ये पीछे पड़ गए, इनके पक्ष में केवल 93 वोट पड़े और इनके जो अपोजिट है वो 124 पड़े, और इनके 28 सांसद जो हैं पार्टी के बुलाने पर भी वो अनुपस्थित हो गए। और इन्होंने चैलेंज किया था प्रचंड को कि भैया अगर तुम्हारे अंदर दम हो तो मुझे हटा करके दिखाओ, और देखो प्रचंड ने काम कर दिया। तो अब नेपाल में प्रधानमंत्री नहीं है केपी शर्मा ओली, क्योंकि उन्होंने विश्वास मत खो दिया है, तो अब उनके अंदर कोई भी प्राइम मिनिस्टरियल पावर नहीं रहेगी, तो अब उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा। नेपाल वैसे तो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, लेकिन 21 दिसंबर को वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हुई, इसीलिए उसको एज ए स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। नेशनल एनिमल नेपाल का काऊ है, नेशनल बर्ड हिमालयन मोनल है, रोडेंड्रन, ये पहाड़ी इलाकों में हर जगह आपको यही आपका बुरंस या बुरांस जिसे बोला जाता है ये नेशनल फ्लावर और नेशनल ट्री के रूप में मिलेगा। दसायन तिहार, बुद्धा जयंती, गाई यात्रा, जनाई पूर्णिमा, ये प्रमुख त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं, जिसमें से दसायन बहुत याद रखना, SSC ने एक बार इसे पूछा है। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली थे, विद्या देवी भंडारी प्रेसिडेंट है, नेम ऑफ पार्लियामेंट द नेशनल असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 275 है, नेशनल लैंग्वेज जो है वो नेपाली है, और नंबर ऑफ प्रोविंस जो है 7 राज्य आपको नेपाल में देखने को मिलेंगे, करेंसी जो है वो नेपाली रुपया है, नेशनल गेम डांडी भी हो, पहले कभी यहाँ पर गिल्ली डंडा जो है वो नेशनल गेम हुआ करता था, आज की डेट में वॉलीबॉल है, काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है जी। अब बारी है आज की सबसे बढ़िया न्यूज की, जहां पर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। किस IIT ने ब्लॉकचेन आधारित स्वास्थ्य सेवा सूचना प्रणाली विकसित की है? आपको ये न्यूज थोड़ा पढ़ने में अजीबोगरीब लगेगी, हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम। सर ब्लॉकचेन तो हमने बिटकॉइन के मामले में सुना था, बिल्कुल आपने सही सुना था, 2008 में सातोशी नाकामोतो। अब ये आदमी कहां है किसी को नहीं पता। 2008 से लेकर 2011 के बीच में तो इसके नाम से ब्लॉग वगैरह आते रहते थे, इसको देखा आज तक किसी ने नहीं है, ये बड़ा ही रहस्यमय प्रणाली है, और 2011 के बाद से ये एकदम गायब है। इसी ने बनाई है बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या है? एक डिजिटल करेंसी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आपका भविष्य कैसा होने जा रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि आपका भविष्य कैसा होने जा रहा है। हाँ, IIT मद्रास इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान से समझो ब्लॉकचेन एंड बिटकॉइन में क्या फर्क है। डेरा सच्चा सौदा का नाम सुना है आपने? नहीं सुना? अरे राम रहीम वाला सुना होगा। तो वहां पर क्या होता था कि जब आप डेरा सच्चा में पहुंच जाते थे तो वहां पर मार्केट थी, डेरा सच्चा की खुद की मार्केट थी, वहां पर आप अपने भारतीय रुपए नहीं दे सकते थे, मतलब जो आपकी करेंसी होती है उससे आप कोई सामान नहीं खरीदते थे, वहां पर बकायदा आपको अलग से सिक्के दिए जाते जिन्हें टोकन के रूप में आप कह सकते हो, और उन सिक्कों के जरिए ही आप वहां पर खरीद परोक्त कर सकते थे, मतलब डेरा सच्चा का कोई सामान वगैरह खरीदना है तो। एक्चुअल में क्या है, वो जो सिक्के दिए जा रहे हैं डेरा सच्चा में, जैसे आप कभी कभी देखेंगे किसी स्वीट हाउस में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो वो आपको क्या करता है, टोकन दे देता है, और फिर जहां पे सामान मिल रहा होता है वो टोकन आप वहां पे देते हैं, तो वो टोकन के जरिए आपको सामान मिल जाता है, मतलब ऐसा आपने देखा होगा, तो टोकन सिस्टम जिसे आप कहते हैं, तो वो जो टोकन है, वो जो सिक्के हैं, दैट इज कॉल्ड बिटकॉइन, वो बिटकॉइन है। और जहां पर आप ये पूरा मार्केट में लेन देन कर रहे हैं, जहां से आप पैसा ले दे रहे हैं, वो आपका ब्लॉकचेन है। अगर मैं सीधे सीधे कहूं तो ब्लॉकचेन जो है, आज हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको यह बता रहा हूं, आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, ये कैसे काम करती है, और क्यों ये इतनी ज्यादा सुरक्षित है कि दुनिया के सभी जितने भी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इवन जितने भी बड़े जहां पर भी सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, गारंटी की जरूरत होती है, वहां पर ब्लॉकचेन को अपनाया जा रहा है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज लाइक ए लेजर, ये एक बही खाता है। ये कैसा बही खाता है? ये एक बही खाता है। अभी आपको जब कोई पेमेंट करना होता है तब आप कैसे पेमेंट करते हो? आप अपने मोबाइल से फोन पे या गूगल पे का इस्तेमाल करते हो। ये फोन पे और गूगल पे जो है ये आपके बैंक सर्वर से जुड़ा होता है। मान लीजिए आपने 100 रुपए का ट्रांजेक्शन किया, आपके अकाउंट में 500 रुपए थे, मजाक कर रहा हूं, 500 रुपए मान लीजिए आपके अकाउंट में थे, आपने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी, यहां पर वो मर्चेंट है मान लीजिए अमेज़न। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो ये आपने 100 रुपए का ट्रांजेक्शन किया, ये 500 रुपए आपके अकाउंट में थे, आपने 100 रुपए किसको देने के लिए कहा? अमेज़न को। तो आप तो नहीं देते हो, आपका बैंक देता है। अब आपके बैंक ने 100 रुपए इसको पेमेंट किया, प्लस
उसने अपने अंदर एक मेंटेनेंस किया कि भाई साहब इनके पास 500 रुपया था, इनका 100 रुपया चला गया, तो इनके खाते में कितना रुपया आ गया, 400 रुपया आ गया। ठीक है, आप कभी कभी ये ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि यहां पर अगर मान लीजिए इस आदमी का सर्वर डाउन है, यानी आपके बैंक का सर्वर डाउन है, तो आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। या फिर आपका कोई हैकर आया और उसने आपके बैंक को ही हैक कर लिया, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर हैक कर लिया और सारा पैसा इधर उधर करके अपने अकाउंट में डाल लिया, तो आपके पास क्या रह गया? नील बटे सन्नाटा, 0/0। ठीक है, अब समझते हैं ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। ब्लॉकचेन के लिए किसी सर्वर की जरूरत नहीं है। ब्लॉकचेन क्या है कि हर कंप्यूटर पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जो भी कंप्यूटर जुड़े होंगे सभी में एक पेज होगा। आप मान लीजिए एक पेज है जो सबके पास है और ये पेज सभी से जुड़ा हुआ है, मतलब ये सारे कंप्यूटर आपस में इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि नहीं से नहीं जुड़ा, मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इन सभी में एक पेज है, हर कंप्यूटर में एक एक पेज है। इस पे आपके अकाउंट की जानकारी है, इसमें लिखा जाएगा कि आपके पास 500 रुपए थे, आपने 100 रुपए ट्रांसफर किया अमेजन को डायरेक्ट, तो अमेजन कहेगा ठीक है आपने मुझे 100 रुपए ट्रांसफर कर दिए, यानी आपके अकाउंट में 400 रुपए बचे। तो ये इंफॉर्मेशन इसके पास भी है, 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 मतलब एक पब्लिक लेजर है जहां पर कोई भी आएगा और देख लेगा भैया किसके अकाउंट में कितना पैसा है और किसके अकाउंट में कितना पैसा नहीं है। लेकिन कोई भी आकर सिर्फ और सिर्फ उस पर नजर लग सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये देख सकता है कि कौन सा ट्रांजेक्शन कब हुआ, उस ट्रांजेक्शन में कोई बदलाव नहीं कर सकता। जैसे बही खाता में जो लिख दिया गया वो लिख दिया गया, अब उसको आप मिटा नहीं सकते। तो जब हैकर को इसको हैक करना होगा, तो मान लीजिए उसने एक सिस्टम हैक किया, लेकिन ये इंफॉर्मेशन तो इस सिस्टम में भी है, 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 तो हैकर को हैक करने से कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो इंफॉर्मेशन तो बाकी सिस्टम पे भी है। अगर उसे हैक करना है तो उसे ये पूरा का पूरा सिस्टम हैक करना होगा, यानी हजारों लाखों कंप्यूटर हैक करने पड़ेंगे एक साथ, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये टेक्नोलॉजी आपकी काम करती है। इसमें क्या कर देते हैं, अब मैं आपको समझाता हूं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। जैसे आप सभी ने मकान खरीदे होंगे, नहीं खरीदे कोई बात नहीं, जी हाँ, इसने अपनी करेंसी बनाई भी बिटकॉइन, और उसके लिए क्यों यूज किया मैं आपको समझाता हूं। आप सभी मकान खरीदते हैं, ठीक है, मकान खरीदते हैं किससे, एक दूसरे आदमी से। ये आपका मकान है, ये आपने एक दूसरे आदमी से खरीदा, लेकिन इसके बीच में सरकार का रोल होता है। आप सरकारी ऑफिस में जाते हैं, कहते हैं भैया हमारी रजिस्ट्री कर दो, रजिस्ट्री मतलब एक जगह एंट्री कर दो। क्या एंट्री कर दो? कि हमने इनसे मकान ले लिया है, ये कल को आए और कहें कि ये मकान हमारा है, तो हम उनको ये कागज दिखा देंगे कि ये सर्टिफिकेट है देखो हमारा गवर्नमेंट द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो आपके सौदे की गारंटी लेती है, वो आपके सौदे की क्या करती है, गारंटी लेती है। अगर इस चीज को रिप्लेस करना हो, यानी आपको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर ले, आप एक दूसरे से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर ले और उसके पोस्टर दुनिया भर में बांट दें, मतलब अगर आप मान लीजिए सरकार को इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक काम करें कि आप ने जो मकान इनसे लिया है इसकी जानकारी पूरे विश्व को दे दें। किसके जरिए? कंप्यूटर के जरिए। हर कंप्यूटर में यह जानकारी नोट हो गई कि आपने मकान इनसे ले लिया है, तो अब यह भी मान्यता प्राप्त होता है। तो इस तरह से बीच के जो बिचौलिए हैं वो अपना उनका काम खत्म हो जाएगा, सरकार का काम खत्म हो जाएगा, और इस तरीके से आपका ट्रांजेक्शन जो है वो डायरेक्टली हो पाएगा। इसीलिए इसने बिटकॉइन का आविष्कार किया था, क्योंकि बिटकॉइन जो है ये लीगल तो है नहीं। इसने सोचा जब हम बिटकॉइन एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफर करेंगे तो ये कंफर्म कैसे होगा कि हमने इतना ही बिटकॉइन ट्रांसफर किया, या इस सौदे की गारंटी कैसे मिलेगी। तो इसने कहा एक ऐसा सिस्टम बनाओ कि जब भी कोई किसी को बिटकॉइन ट्रांसफर करे तो जितने भी लोग भी बिटकॉइन से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे जान जाएंगे कि कितना बिटकॉइन किसने कितने किससे कहां कितना लिया। इस तरह से एक पब्लिक लेजर की जरूरत हुई। पब्लिक लेजर जो है वही है आपका ब्लॉकचेन। और अब इसमें सरकार कैसे काम कर सकती है? सरकार ऐसे काम कर सकती है कि आपका जो भी है, मान लीजिए सरकार किसी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देना चाहती है, सब्सिडी देना चाहती है। अभी मान लीजिए कोई रुपया ट्रांसफर होता है तो कहां जाता है? ये पहले जाता है एक अधिकारी के पास, फिर उस अधिकारी के पास सरपंच के पास, सरपंच के बाद जाके ये उस पर्टिकुलर यूजर को मिलता है। अगर मान लो सरकार ये डायरेक्ट ट्रांसफर कर दे और इसकी पूरी जानकारी वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डाल दे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन में उपलब्ध है, तब सब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा इनको सब्सिडी मिल गई, और इससे ये बीच वाले जो बिचौलिए हैं जो बीच में 100-200 रुपए खाते हैं ये भी खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये सूख सच मिल जाएगी। आप समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया
कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सुरक्षित क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कंप्यूटर इन्वॉल्व नहीं होता, एक नोड इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व होती। दूसरा, कितना ट्रांसफर कहां हो रहा है यह हर कोई देख सकता है जो उस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको उस टेक्नोलॉजी की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अब यह स्वास्थ्य सेवा सूचना प्रणाली का क्या मतलब है? स्वास्थ्य सेवा सूचना प्रणाली यह है कि किसको लाभ मिला, किसको लाभ नहीं मिला, इसमें कोई हेरफेर ना कर पाए, चाह कर भी हेरफेर ना कर पाए। भाई मान लीजिए आपका बिजली का बिल है, वो बिजली का बिल आया, अभी क्या होता है ज्यादा आ जाता है तो आप जाते हैं सीधे उससे बोलते हैं, भाई साहब ये लो 10,000 रुपए का बिल है, आप 5,000 रुपए रख लेना, 5,000 रुपए मेरा निपटा दो, ऐसा करते हो ना, तो वो अंदर ही अंदर कंप्यूटर में खुटपुट करता है, निपटा देता है। लेकिन अगर ये कंप्यूटर सबको पता हो कि हाँ ऐसा हो रहा है तो नहीं हो पाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। तो ये ज्यादा सिक्योर है, हैक नहीं हो सकता, और आगे आने वाले भविष्य की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट मैन टू मैन ट्रांसफर होगा, किसी बीच में एक ट्रांसफर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी बीच बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ट्रांसफर करना है, जल्दी होगा, सर्वर डाउन होने की समस्या नहीं आएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है, आ गया समझ में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और ये किसने डेवलप की है? आईआईटी मद्रास ने। कल प्रश्न मैंने, अच्छा अभी वन लाइनर रह गए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 मई को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय अर्गेनिया दिवस। 2021 को मैड्रिड ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? एरेना सैबलेंका ने, ठीक है। 9 मई 2021 को आयोजित स्पेनिक ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। और किस पर्वतारोही ने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह के लिए? कामी रीता ने। एलिफेंट इन वोम किसकी बुक है? कल की कोचिंग की। यूरोपीय संघ लीडर्स मीटिंग में पीएम मोदी शामिल हुए, इसको किसने मेजबान किया? पुर्तगाल ने। नाइट फ्रैंक द्वारा ग्लोबल प्राइम रेजिडेंस इंडेक्स में भारत का नई दिल्ली कौन से स्थान पर है? 32वें नंबर पर। उड़ीसा के किस राज्यसभा सांसद का निधन हो गया? रघुनाथ महापात्रा। भारतीय क्रिकेट टीम में पहले पारसी खिलाड़ी कौन बने हैं? अर्जन नाग वासवाला 1975 के बाद से। और किस देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जो है वो प्रधानमंत्री नहीं रहे? नेपाल। आईआईटी ने ब्लॉकचेन, आईआईटी मद्रास ने ब्लॉकचेन पर आधारित स्वास्थ्य सेवा सूचना प्रणाली विकसित की है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना? मैंने कल आपसे प्रश्न पूछा था भारत में केले का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है। देखिए, अगर देश में केले की प्रजाति की बात की जाए तो भुसावल, मध्य प्रदेश में एक जगह है भुसावल, वहां के केले बड़े फेमस है, लेकिन केले का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो तमिलनाडु में होता है। सब्जी का जो सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ, फ्रूट का जो सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ इस बार, वो आपका आंध्र प्रदेश में हुआ, और वेजिटेबल का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इस बार हुआ है ये आपका गुजरात में हुआ। वैसे इन दोनों ही मामले में हमारा यूपी नंबर वन पे रहता था, तो तमिलनाडु याद रखिएगा। आज का प्रश्न है तत्त्वम असि, ये मैं लिख देता हूं, तत्त्वम असि ये संस्कृत का एक फ्रेज है, ये किस उपनिषद से लिया गया है? आईएएस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आईएएस लेवल का क्वेश्चन है, तो ये आपको बताना है ये किस उपनिषद से लिया गया है, पूछा गया है पीसीएस में, पूछा गया है वहीं से उठाता हूं मैं हम अक्सर इस तरह के क्वेश्चन। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज का करंट अफेयर आपको पसंद आएगा, कुछ नया जरूर आपने सीखा होगा, और आप जान पाएंगे कि ब्लॉकचेन एंड बिटकॉइन में क्या फर्क है। बिटकॉइन इज ए करेंसी, और उसको चलाने के लिए ब्लॉकचेन की जरूरत थी, ब्लॉकचेन एक बही खाता है। चलो बाय बाय। हाँ बिल्कुल रितिक बोरा जी, बिल्कुल करेंगे यार, मुझे कोरोना वायरस हुआ था तो मुझे पता चला था कि मैं एक दिन घर पे आया तो मुझे काफ़ी तेज़ सरदर्द हुआ, मैं चुनाव की ड्यूटी करके आया था तो मुझे काफ़ी तेज़ से सरदर्द हुआ, मुझे लगा कि यार मैं दिन भर इंजेक्शन में रहा हूँ और चश्मा लगाता हूँ तो शायद मुझे इस वजह से अक्सर हेडेक हो जाता है, तो मैंने कहा कोई नॉर्मल चीज़ होगी, और हल्का हल्का जुकाम सा फील हुआ, मैंने आया और मैं दवा ली, मैंने सो गया। रात में जब मैं उठा हूँ तो मतलब रात में आया, शाम को मैं सुबह जब उठा हूँ तो सुबह हमारी पत्नी जी ने हमें चाय दी, मतलब आपकी मैडम ने हमें चाय दी, मैं चाय पी तो हमें लगा इसमें अदरक नहीं पड़ी है, गले में कड़वा कड़वा तो लग रहा था लेकिन अदरक नहीं पड़ी, मैंने कहा अदरक नहीं डाली क्या चाय में, कहने डाली तो है, मैंने चाय स्मेल करके देखी मुझे स्मेल नहीं आई, मैंने कहा अच्छा स्मेल नहीं आ रही, मैं चौंक तो गई था भाई, अवेयर तो थे ही हम। फिर उसके बाद हमें पत्नी जी ने कहा कि चलो हो गया होगा, अब देख लो कुछ और देख लो, फिर ये हुआ कि चलो देखते हैं इसमें ला रही कि नहीं आ रही, तो हैंड सैनिटाइज करने के लिए मैंने सैनिटाइजर लगाया, वो सैनिटाइजर जो मेरा बड़ा तेजी से उसमें अल्कोहल का बास आता है, मैंने सैनिटाइज खूब किया लेकिन मुझे इस अल्कोहल का बास नहीं आया, मतलब स्मेल नहीं आया। फिर मैंने डीओ डाला, उसका भी स्मेल नहीं आया, मतलब डीओ जैसे पावरफुल इंटेंस स्मेल भी मुझे नहीं आ रहे थे, मेरे गले में खराश शुरू हो गई और परमानेंट हेडेक था।
अगर आपको सिर्फ ऐसा फील हो रहा है, जुखाम जैसा फील हो रहा है, तो मैंने कहा चलो यार टेस्ट करा ही लेते हैं। कल आया मैं टेस्ट कराने गया, मैंने एंटीजन टेस्ट कराया, एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उसमें दो लाइनें आ गई। तो मैंने कहा आरटीपीसीआर कराने कोई मतलब नहीं, आपको कोरोना हो गया। मैं आया एक कमरे में बंद हो गया, लेकिन उससे पहले मैं डर गया था कि मैंने परिवार के काफ़ी लोगों के साथ रात भर रहा और मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने परिवार में सबका कराया, तो फॉर्चुनेटली किसी और को नहीं था, मुझे ही था। लेकिन फिर मैंने दवा लेना शुरू कर दिया और दवा वही पैरासीटामोल निमोसलाइड के साथ मैं ले रहा था। निमोसलाइड के साथ इसलिए ले रहा था क्योंकि मुझे थकान थी, चुनाव में काफ़ी थकान हो जाता है, तो मैं निमोसलाइड के, उससे पहले मुझे मलेरिया हुआ हुआ था, तो इस वजह से भी मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान था, तो मैं निमोसलाइड के साथ इसलिए ले रहा ताकि मुझे आराम मिलता रहे। तो मैं निमोसलाइड पैरासीटामोल ही लेता रहा हर 3-4 घंटे में। मैंने अपने आप को फीवर नहीं आने दिया, एक भी बार मैंने अपने आप को फीवर नहीं आने दिया। आप भी कोशिश ये करिए कि अगर किसी को इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, कोशिश करें कि उनको फीवर ना आए, दवा जो है वो रेगुलरली देते रहें, उनका शरीर कमजोर ना पड़ने पाए, क्योंकि जैसे ही वो शरीर कमजोर पड़ेगा, वो वायरस जो है वो आपके शरीर में काफ़ी तेजी से फैलेगा। पपीते वगैरह का सेवन आप कर सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं थोड़ा सा लकी भी रहा कि मुझे इसका इन्फेक्शन अंदर तक नहीं गया, केवल नाक या मुंह पर ही रहा वो। कभी कल एक राहुल वोरा यूट्यूबर था, मैं उसका वीडियो देखा करता था और बड़े अच्छा लगता था मुझे, उनका बोलने चलने का अंदाज मुझे अच्छा लगता था। और आप ये भी कह सकते हैं नाम से नाम का जुड़ाव हो गया हो, तो राहुल का नाम का जुड़ाव भी हो गया था। तो मैं उनका मुझे पता चला कि यार उनका इलाज सही तरीके से नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, तो मुझे काफ़ी दुखी फील हुआ। मुझे लगा कि नहीं, मैं वाकई में लकी था। तो अगर आपको ज़रा सा भी कुछ गड़बड़ लगता है तो प्लीज़ आप लोग घर पे मतलब कोशिश ना करें, एक बार डॉक्टर की सलाह ले लें और ये फेसबुक और व्हाट्सएप ज्ञान से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि आजकल एक नई तरह की यूनिवर्सिटी है फेसबुक यूनिवर्सिटी, तो उससे थोड़ा दूर रहें। यही मेरी सलाह है आपके लिए, ठीक है। चलिए जी, अगर आपको सेम सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप एक बार चेक कर लें। हाँ, एक कैप्सूल आता है कार्बाइल प्लस। कार्बाइल प्लस जो है वो सुबह दोपहर शाम पानी में गर्म करके भाप लीजिए उसकी, हो सके तो उसे अपने कपड़े वगैरह पे भी डाल लीजिए, तो उससे आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये मुझे डॉक्टर ने बताया था कि अगर तुमको जरा भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम पर डर लग रहा है कि नहीं सांस थोड़ी सी फूल रही है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ये नसल सूज जाते हैं, तो सूजने की वजह से ये नाक की जो नलिकाएं होती हैं वो सूज जाती हैं, इसकी वजह से जुकाम फील होता है, तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, फिर हमारा दिल जो है वो डरने लगता है कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो आप कार्बाइल प्लस कैप्सूल का प्रयोग जरूर करें। 8 या 9 रुपए का एक कैप्सूल आता है, ग्रीन कलर का होगा, उसको पानी में डाल लें, गर्म पानी में, अपने फूल जाएगा। और तौलिए से उसका भाप जरूर लें, 2-3 बार आप भाप लोगे तो आपको ये ऑक्सीजन कम जो लेवल वाला है वो नहीं होगा, उससे आपको आराम मिलेगा जी। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर भाई, सब लोग सही रहो यार, है ना। लंग्स की जगह पे थोड़ा दर्द है यार, तो फिर आप डॉक्टर को दिखा लो एक बार प्लीज, दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे को लंग्स में कतई दर्द नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ। और वो थोड़ा थोड़ा सोचने पर भी करने लगता है, मतलब कि पहले जब मुझे ऐसे मुझे पता लगा मुझे कोरोना का, मुझे लगने लगा कि मेरी सांस नहीं आ रही, जबकि मैं जब सांस रोक रहा था। तो अगर आपको लंग्स में दर्द है तो एक टेस्ट आप कर सकते हो, तुरंत अपना सांस लो और उसको रोक कर देखो आप कितनी देर तक सांस रोक पा रहे हो। अगर वो 1 मिनट से ऊपर है तो फिर डरने की 1% जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो 1 मिनट से कम है, लोग 10 सेकंड बोल रहे हैं, मैं 10 सेकंड को नहीं मानता, लेकिन अगर वो 1 मिनट से कम है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा डॉक्टर को जरूर दिखा लें, ठीक है। नहीं, लंग्स में पेन नहीं होना चाहिए, आप जरूर दिखाइए डॉक्टर को, तुरंत दिखाइए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।